बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सीएम अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई की है। बुलंदशहर के एसएसपी वैभव कृष्ण, एसपी सिटी राममोहन सिंह और सीओ सिटी हिमांशु गौरव को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस मामले से संबंधित कोतवाली इंस्पेक्टर रामसेन सिंह, चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार, हाईवे पेट्रोलिंग इंचार्ज और बीट कांस्टेबल को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। सीएम अखिलेश ने हाईवे पर पेट्रोलिंग को चुस्त दुरुस्त बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। आपको बता दें कि सीएम ने पहले ही पुलिस को मामला सुलझाने के लिए शाम तक का वक्त दिया था, लेकिन पुलिस इसमें नाकाम रही, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों पर यह कार्रवाई हुई। वहीं इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 3 की पहचान हुई है। आरोपी हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बुलंदशहर की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए। आयोग की सदस्य रेखा शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया और आरोप लगाया कि पुलिस जांच में ढिलाई बरत रही। और अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। शर्म से भी ज्यादा शर्मनाक, खौफ से भी ज्यादा खौफनाक, रूह कपा देने वाली हैवानियत, हाईवे के हैवान। अगर आप परिवार सहित यूपी के किसी हाईवे से गुजर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप बन सकते हैं ऐसी हैवानियत का शिकार जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहां पर एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ जो बलात्कार की घटना हुई है, उसने पूरे के पूरे पुलिस सिस्टम पर सवालिया निशान लगाकर रख दिया है। आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे यह घटना सिलसिलेवार तरीके से हुई। दरअसल जो परिवार नोएडा में रहता था, उसकी एक रिश्तेदारी शाहजहांपुर में थी। उनके किसी अपने की मौत हो गई थी और उसका 13वीं संस्कार था। उसी के चलते ये परिवार रात के वक्त नोएडा से चला शाहजहांपुर के लिए, और जब वो बुलंदशहर के NH 91 पर आता है तो यहाँ पर जब उनकी गाड़ी चल रही थी तो उनकी गाड़ी के नीचे से एक आवाज़ आती है, और उसके बाद उस जो गाड़ी का चालक होता है वो सोचता है कि गाड़ी में या तो पंचर हो गया है या गाड़ी का जो कोई पार्ट है वो सड़क के नीचे गिर गया है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी को चेक करने के लिए नीचे उतरता है, तभी जो बदमाश पहले से ही घात लगाए बैठे थे, उन्होंने उस परिवार को गन पॉइंट पर ले लिया और उस परिवार के जितने भी पुरुष थे उनको बंधक बना लिया। उसके बाद उनकी गाड़ी को जो बदमाश थे वो आगे से घुमाकर लाते हैं। उसके बाद जो मेरे दाहिने तरफ, मैं अपने कैमरा में संगूँ, जो मेरे दाहिने तरफ खेत है, यहाँ पर वो उस परिवार को ले आते हैं, जहाँ पर जो एक बुजुर्ग महिला है, जब वो बदमाशों का विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। लेकिन जो एक दूसरी महिला थी और उसकी नाबालिग बेटी थी, उसके साथ गैंगरेप की वारदात बदमाश करते हैं। करीब 3 घंटे तक वो जो बदमाश थे उन दो महिलाओं के साथ बर्बरता बरपाते रहे, लेकिन जो पुलिस सिस्टम था वो पूरी तरह से सोया रहा और किसी तरीके से वो परिवार यहाँ पर लोगों से सहायता मांगता हुआ पुलिस थाने पहुँचता है, और थाने में पुलिस ने उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया और पुलिस का एक्शन क्या था, आइए हम आपको अपनी इस खास पेशकश में बताने की कोशिश करते हैं। यूपी के बुलंदशहर में एक परिवार को बंधक बनाकर माँ बेटी के साथ गैंगरेप की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। ये परिवार कार से नोएडा से शाहजहांपुर जा रहा था। बदमाशों ने बुलंदशहर कोतवाली देहात इलाके के पास इन्हें हाईवे पर रोका और फिर जो हुआ उसने सरकार और प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। दिल्ली से कानपुर को जोड़ने वाले इस हाईवे में जिस वारदात को अंजाम दिया गया उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। यहां एक परिवार के साथ जो हुआ उसे सुनकर कोई भी सिहर जाए। इस वारदात के बाद यह भी अंदाजा हो गया कि यूपी में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। यहां हाईवे पर दरिंदों ने हैवानियत का ऐसा खेल खेला
जो यूपी की कानून व्यवस्था पर एक काला धब्बा लगा गया। हैवानों ने पहले लूटपाट की और फिर नाबालिग बेटी के साथ और उसकी मां के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हम आपको बताते हैं कि बुलंदशहर के इस हाईवे में हैवानों ने कैसे एक परिवार को हैवानियत का शिकार बनाया। ये परिवार कार से नोएडा से शाहजहांपुर जा रहा था। 10 दिन पहले दादी का बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उन्हीं की 13वीं में शामिल होने के लिए ये परिवार अपने गांव जा रहा था। एसेंट कार में दोनों भाई, दोनों की पत्नी, छोटे भाई की 13 साल की बेटी और बड़े भाई का 13 साल का बेटा सवार था। छोटा भाई कार चला रहा था। शुक्रवार रात ये परिवार नोएडा से शाहजहांपुर के लिए चला था। रात करीब 1:30 बजे NH 91 पर दोस्तपुर गांव के पास फ्लाईओवर पर अचानक कार का टायर फटने की आवाज आई, जिसके बाद ये कार को रोककर टायर चेक करने लगे और इसी बीच 10 से 12 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बदमाश कार समेत परिवार को अंडरपास तक ले गए। दोनों भाइयों और 10 साल के लड़के को कार के पास बंधक बना दिया और फिर दोनों महिलाओं और नाबालिग लड़की को खींचकर खेत में ले गए, जहां इन हैवानों ने छोटे भाई की पत्नी और उसकी 13 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। और इस बीच 2 से 3 लोग कार को घेरे खड़े रहे। बड़े भाई की पत्नी की उम्र ज्यादा थी, उन्होंने इसका विरोध भी किया तो दरिंदों ने उन्हें जमकर पीटा। यह पूरी वारदात शनिवार सुबह 4 बजे के आसपास तक अंजाम दी गई और इसके बाद बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। नोएडा का जो परिवार गाड़ी में जा रहा था, उनको बंधक बनाने के बाद बदमाशों की गाड़ी बुलंदशहर के इसी खेत में आती है। हाईवे से उतारकर बदमाश गाड़ी इस खेत में ले आते हैं। उसके बाद जो परिवार की एक महिला थी और उसकी एक नाबालिग बेटी थी, उसके बाद गैंगरेप की घटना उसके साथ की जाती है और जो बाकी परिवार के सदस्य थे उनके साथ मारपीट होती है। 3 घंटे तक बदमाशों की मौजूदगी यहाँ पर रही। पुलिस का कोई नामोनिशान यहाँ पर नहीं था। पूरी तरह से जो हाईवे पुलिस की सुरक्षा है उसकी पोल खुल गई है। इलाके के लोग हमारे साथ हैं। प्रधान जी, आप इस गांव के रहने वाले हैं, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि रात के वक्त यहाँ पर पुलिस की निगरानी रहती है? नहीं, जिप्सी पेट्रोल की घूमती रहती है और दिन में ये जो घटना के बाहर हाईवे से लगी हुई है, यहाँ दिन में पूरे दिन खड़ी रहती है और रातों गश्त करती है। ऐसा नहीं कि गश्त नहीं करती, लेकिन घटना का कैसे अंजाम बदमाशों ने एक साथ दे दिया, ये तो भाई ये तो करने वाले जान सकते हैं भैया, लेकिन पुलिस तो रहती है यहाँ। मैं कह रहा हूँ आपसे, पुलिस के वक्त भी पुलिस रहती है, आप बताइए रात के वक्त पुलिस यहाँ पर रहती है? कभी कभी हम आते जाते हैं, पुलिस देखते हैं हम भी, ऐसी बात नहीं है, चेक पोस्ट लगा होता है। पुलिस इधर गश्त करती रहती है, रात को भी करती है। पुलिस यहाँ पर रात के वक्त रहती है, उसके बावजूद घटना हो जाती है, ये अपने आप में बिल्कुल अनोखी बात है और पूरे के पूरे पुलिस सिस्टम की इस घटना ने पोल खोल कर रख दी है। अच्छा, ये बताइए आपको इस घटना का कब पता चला? गया पुलिस पर के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने घटना के बाद कोई एक्शन नहीं लिया जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। नहीं, मुझे तो एक पड़ोसी गांव के प्रधान हैं, उनका फ़ोन 7:30 बजे करीब आया, 8 बजे उन्होंने मुझे बताया, प्रधान जी ऐसा हाईवे पर तुम्हारे गाँव की सीमा में एक ऐसा हादसा हो गया। और मैंने कहा ये तो बहुत शर्मसार घटना भाई, ये तो कैसे हमारे यहाँ हो गई? बोले हाईवे से हुई है यहाँ। सुबह के वक्त पुलिस का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि घटना रात की है और सुबह पुलिस यहाँ पर आती है। जबकि जो पीड़ित परिवार है उसका ये कहना है कि उन्होंने जो संबंधित थाना है, संबंधित चौकी है, वहाँ पर ये घटना की सूचना दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है वो काफ़ी लेट हुई है। जो बुलंदशहर के SSP हैं, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर SHO के खिलाफ कार्रवाई उन्होंने की है वो गुमराह करने के आरोप में उनको हटाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल इलाके के SHO कर रहे थे कि उनके क्षेत्र में जो घटना हुई है वो बहुत छोटी सी घटना है, रेप नहीं हुआ है। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी तब जाकर बुलंदशहर पुलिस की पोल पूरी तरह से खुली। डरा, सहमा, दहशत में आया ये पीड़ित परिवार किसी तरह अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। लेकिन जब मीडिया के कैमरों की नजर में ये वारदात आई तो लखनऊ में CM ऑफिस हरकत में आया और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन हो गया, अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया गया और वहीं सामने आया जनता का आक्रोश, जिसने यूपी की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। 3 घंटे तक बदमाशों की बर्बरता और कहर सहने के बाद वो पीड़ित परिवार किसी तरह थाने के पास पहुंचता है। घटनास्थल से थाने की दूरी महज 5 किलोमीटर है और वो पीड़ित परिवार 5 किलोमीटर तक यहाँ पर पैदल चलता रहा, लेकिन उसको मदद की एक आशा की किरण भी नहीं दिखाई दी।
कोई भी उसको लगता था कि हाईवे पर पुलिस चल रही होगी, पुलिस की पिकेट होगी, लेकिन पुलिस के नाम पर यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। और जब वो पीड़ित परिवार थाने पहुँचता है, देखिए मेरे बगल में ही जो हाईवे है उसके बगल में कोतवाली देहात थाना है, यहाँ पर पुलिस के पास जब उन्होंने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई, बताया कि भाई किस तरह की घटना हुई है, तो पुलिस ने घटनास्थल पर जाने की बजाय उस परिवार के साथ ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया। पुलिस के आला अधिकारियों के पास जब ये मामला पहुंचता है तो उस पीड़ित परिवार को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां मेडिकल किया जाता है। उसमें पुष्टि होती है कि एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेप की घटना हुई है। तब जाकर एसएसपी एक्शन में आते हैं और कोतवाल के खिलाफ एक्शन लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 3 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुँचती है सूचना मिलने के, तो अगर पुलिस समय पर मौके पर पहुंचती तो निश्चित तौर पर बदमाश पुलिस की पकड़ में होते। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने किस कदर लापरवाही बरती है, इसकी तस्वीर भी इंडिया 24/7 के कैमरे में कैद हुई है। ये तस्वीरें वारदात की जगह की, जहां पीड़ितों का सामान पड़ा हुआ है, लेडीज पर्स पड़ा हुआ था, महिला की चैन गिरी हुई थी। जो सामान सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकते थे उसे पुलिस ने नजरअंदाज क्यों किया? जाहिर है ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। जब कोई भी क्राइम सीन होने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह होता है कि घटनास्थल से वो तमाम तरह के सबूत जुटाए और अपनी कस्टडी में ले ले। लेकिन बुलंदशहर पुलिस की कार्रवाई की पोल हम खोलते हैं। देखिए हम इस वक्त घटनास्थल पर खड़े हैं और कई घंटे बीत चुके घटना को हुए भी, लेकिन अभी भी घटनास्थल पर सबूत मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो उस परिवार की महिलाएं रही होंगी उनके साथ जब मारपीट की घटना हुई होगी, उस घटना में जो उनकी ज्वेलरी थी वो यहाँ पर टूटी हुई पड़ी है। सोने की एक चेन अभी भी यहाँ पर जो खेत हैं उनके अंदर मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा उस महिला का पर्स भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन बुलंदशहर पुलिस ने मौके से सबूत उठाना जरूरी नहीं समझा। शायद यही वजह है कि जब भी कोर्ट में केस जाते हैं, जब पुलिस ले जाती है तो अपराधी छूट जाते हैं, क्योंकि तमाम तरह के जो सबूत होते हैं और जो घटनास्थल पर सबूत इकट्ठे किए जाते हैं वो पुलिस नहीं जुटाती और उसके बाद अपराधी छूट जाते हैं। देखिए फिर मैं इलाके के लोगों से बात करूंगा। देखिए यहाँ पर चेन सोने की पड़ी हुई है, निश्चित तौर पर ये उसी महिला की होगी। ये उसी महिला की होगी जरूर, जब ये वारदात यहाँ हुई है तो उसी महिला की होगी। पुलिस को तो उठानी चाहिए, उठानी चाहिए ना, सबूत तो होने चाहिए ना पुलिस के पास। पुलिस सबूत नहीं लेके जाएगी तो केस आगे कैसे बढ़ेगा? पुलिस सबूत नहीं लेकर जाएगी, केस कैसे आगे बढ़ेगा? प्रधान जी क्या कहेंगे पुलिस के बारे में? आप कह रहे थे कि पुलिस यहाँ सक्रिय रहती है, कहाँ है पुलिस की सक्रियता? सक्रिय तो रहती है, लेकिन पता नहीं ये चैन यहाँ कैसे दबी रह गई। देखा तो होगा जरूर, ऐसा नहीं है। ये चारा ये कल तक था यहाँ, ये ज्वार खड़ी थी यहाँ, ये अब उन्होंने सुबह काटी है तो उनको भी नहीं दिखी, लेकिन क्योंकि इस पे पैर भी किसी का रख गया है और देखो ये बीच में दबी हुई है। का ध्यान पूरी तरह से मैनेजमेंट में था कि घटना को हल्की धाराओं में कैसे दर्ज किया जाए। शायद यही वजह थी कि जो मौके पर घटनास्थल पर सबूत पड़े हैं उनकी उन्होंने अनदेखी कर दी। चलती सड़क पर बीच हाईवे में अंजाम दी गई इतनी बड़ी वारदात ने पूरे प्रदेश की राजनीति को भी हिला दिया। सवाल कानून व्यवस्था का था, सवाल महिलाओं की सुरक्षा का था, लिहाजा यूपी सरकार पर सवालों और आरोपों की बौछार शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अंदर व्याप्त अराजकता, अव्यवस्था और ध्वस्त कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। सड़क के किनारे दरिंदगी को लेकर महिला कार्यकर्ता भी सवाल खड़े कर रही हैं, पूछ रही हैं क्या यूपी में बलात्कारियों को कोई डर नहीं है? दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि एक जो परिवार फ्यूनरल अटेंड करने के लिए जा रहा था उसके साथ इस तरह से हुंडे रास्ता रोक के अगर हादसा होता है तो मैं समझती हूँ बहुत अपराधियों को पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को खास तौर से जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि आइंदा इस तरह से किसी भी हाईवे पे कोई हादसा ना हो। पुलिस ध्यान ही नहीं देती है, कोई मतलब ही नहीं है और नेताओं का वहाँ इतना जिसे कहते हैं कि दबंगता नेता दिखाते हैं और ऐसे लोगों को शेल्टर करते हैं, तो यूपी के हालात बहुत बुरे हैं। अब ऐसे इससे बदतर केस क्या होगा कि माँ बेटी का गैंगरेप सामने परिवार के हो रहा है, मैं सोचती हूँ कि इससे शर्म की बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। आईओ पूछ रहे हैं ये बात विक्टिम के परिवार को कि क्या आप थाने आए थे, ये अगर आईओ का ये मेंटल लेवल है तो वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा और आप लोग किस तरह से उसको पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाएंगे मुझे नहीं पता।
पुलिस बिल्कुल नेगेटिव है, प्रशासन इसके ऊपर मुझे लगता है बिल्कुल डालना चाह रहा है कि इसके ऊपर पर्दा डाल दो और कुछ ना हो। जिस तरह से व्यस्त रहने वाले नेशनल हाईवे के किनारे इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या यूपी की सड़कों पर सुरक्षित नहीं है महिलाएं? यूपी के बुलंदशहर में मां बेटी के साथ अंजाम दी गई गैंगरेप की वारदात ने जहां प्रशासन और सरकार को सख्ती में डाल दिया, वहीं आम जनता का आक्रोश भी सड़कों पर उतर आया। इस वारदात के बाद सवाल उठता है कि कहां है वो लोग जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताते हैं। उत्तर प्रदेश में जो वारदात हुई है वो शर्मिंदा करती है, डराती है और हैरान भी करती है। नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे परिवार को बुलंदशहर में हाईवे पर बदमाश बंधक बना लेते हैं और फिर इस परिवार की मां बेटी के साथ गैंग रेप होता है। उठाए बोले तीन लोग नहीं गए हैं, उठाए उससे ज्यादा संख्या में लोग गए हैं। जैसा बताया गया तीन लोगों को पीड़ित पक्ष ने पहचान लिया है। डीजीपी साहब ऐसा कौन सा काम डाल कौन लोग इनका जवाब ये जो तीन लोग जिनको कंफर्म किया है पीड़ित ने जी पहला है बबलू सन ऑफ भूपचंद ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। दूसरा है नरेश ठाकुर सन ऑफ अमर सिंह ये भटिंडा का रहने वाला है। तीसरा है रईस सन ऑफ सोहरा ये सुतानी का रहने वाला है यहीं बुलंदशहर देहात एरिया का। ये तीन लोग जो है इसके बारे में आपको कन्फर्मेशन मिल गई है कि तीन लोग अपना इस वारदात के विरोध में स्थानीय लोग एकजुट हो गए और उन्होंने नेशनल हाईवे 91 पर जाम लगा दिया और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खिलाफ बुलंदशहर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आप देख सकते हैं कि जो NH-91 है उसको लोगों ने जाम कर दिया है। यहाँ पर पूरा का पूरा हाईवे जाम है, बसों को रोक दिया गया है। अब ये बताइए आप जिस तरीके से अधिकारी यहाँ पर आए, सोने की चेन सबूत पड़ी हुई थी, डीजीपी ने भी कहा कि जरूरी नहीं है उठाना। देखिए ये जो घटना हुई है बड़ी शर्मनाक घटना है और ऐसे जिन्होंने वारदात की है उन्हें उठाकर चौराहे पे गोली मार दी। सबूत मौके से नहीं उठा रहे। डीजीपी से मैंने सवाल पूछा, शाम के चार बज रहे हैं यहाँ पे महिला की चेन, महिला की अंगूठी, महिला का पर्स मिला, लेकिन पुलिस उसे नहीं देख पाई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया को, मीडिया ने पर्स भी ढूंढा यहाँ पे, सोने की चेन भी ढूंढी और महिला की रिंग भी ढूंढी, लेकिन पुलिस आपने चैन ढूंढी, आपने तो पुलिस से ज्यादा सीबीआई से ज्यादा इंटेलिजेंस और ब्यूरो से आरा से ज्यादा काम करा है। लोगों के दिलो दिमाग में गुस्सा है पुलिस प्रशासन के प्रति और इनका कहना है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। अधिकारी घटनास्थल पर आते हैं लेकिन केवल खाना पूर्ति करने। इधर इंडिया 24/7 संवाददाता अमित चौधरी इस परिवार से बात करने गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी पहुंचे जहाँ घर पर ताला लटका मिला। जानकारी मिली कि पीड़ित परिवार को बुलंदशहर पुलिस उनके घर से दोबारा लेकर रवाना हुई है। बुलंदशहर में हुए दो महिलाओं के साथ गैंगरेप के मामले में एक तरफ जहां डीजीपी ने सख्त आदेश दिए हैं उस परिवार के घर हम पहुंचे हैं खोड़ा कॉलोनी में। यहीं पर वो परिवार रहा करता था, आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे। वो दरवाजा जो उनके मकान का है यहां पर फिलहाल ताला लगा हुआ है और जो फोन पर हमारी पीड़ित परिवार से बात हुई थी उसके मुताबिक बदमाश रात के 1:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक उनको बंधक बनाकर NH-91 से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में रखे हुए थे और उस दौरान एक दो बार NH-91 से पुलिस की जो PCR है वो भी निकल कर गई लेकिन उनको कोई मदद ना मिल सकी और परिवार के सामने ही बेटी और उसकी मां के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे दिया गया। हालांकि घटना के बाद तमाम तरीके के कदम जरूर उठाने की बात की जा रही है लेकिन जिस तरीके से उनके मकान पर ताला लगा हुआ है या जो हमारी फोन पर बात हुई थी उस आधार पर परिवार इस घटना के बाद से बेहद सदमे में है। वहीं पड़ोसियों के मुताबिक पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है और अगर वक्त पर पुलिस की मदद मिल जाती तो वारदात को रोका जा सकता था। काफी परेशान है, समस्या है इतनी बड़ी, अब उनके हमारे पड़ोसी के साथ हुआ है, हो सकता है हमारे कल हमारे साथ भी हादसा हो सकता है, तो ये
घटना जो हुई है काफ़ी शर्मनाक हुई है और कानून जितना हो सके इस पर कार्रवाई करे। परिवार प्रशासन के अभी कुछ अधिकारी लोग आए थे जिसमें एक दरोगा भी थे और बाकी सिविल वर्दी में भी थे। अब उनसे पहले पूछताछ की, हमने इंटरफेयर करने की कोशिश भी नहीं की कि हो सकता है कि कुछ बुरा ना मान जाए हमारी वजह से। अगर यूपी में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है तो सतर्क हो जाइए और यहाँ सफर करने से पहले पूरी सावधानी बरतें। खासकर रात के सफर में आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बहुत जरूरी ना हो तो रात में परिवार के साथ यात्रा करने से बचें। रास्ते में किसी भीड़ भाड़ वाले ढाबे या खाने की जगह पर ही रुकें। निजी वाहन से जा रहे हो तो गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स को ठीक से जांच लें। अनजान रास्तों का इस्तेमाल कतई ना करें और जांचे पर के रूट पर ही चलें। अनजान लोगों से रास्ता पूछने की जगह नेविगेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यात्रा के लिए जांच परख कर ही रेंट पर कार हायर करें। बहुत अधिक कैश या ज्वेलरी लेकर यात्रा करने से बचें। गाड़ी में तेल या गैस फुल कराकर ही सफर पर निकलें और गाड़ी चलाते वक्त अल्कोहल का इस्तेमाल कतई ना करें। जैसा कि होता है कि हर वारदात के बाद खाके सिर्फ खाना पूर्ति करती दिखाई पड़ती है, सवाल उठता है कि ऐसा क्यों कि सांप निकल जाने के बाद पूरा सिस्टम लकीर पर लाठी पीटता दिखाई पड़ता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में आपके परिवार की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई है। सवाल ये भी, क्या अपराध के इसी प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताया जा रहा है? बुलंदशहर से अनुराग चड्ढा और अमित शर्मा के साथ नोएडा से अमित चौधरी, इंडिया 24/7।